झारखंड के रांची में फर्जी डीएसपी फर्जी दरोगा के साथ फर्जी पुलिस चालक को पुलिस ने पकड़ा। राजधानी रांची सहित कई इलाकों में फर्जी डीएसपी एवं बड़ा बाबू बनकर वसूली करने के आरोपी नकली डीएसपी जहांगीर खान उर्फ लाडुल और मांझी और नकली बड़ा बाबू फिरोज खान पिठोरिया निवासी को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में एक आरोपी दोनों को नकली पुलिस चालक रघु सिंह को पूर्व में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शुक्रवार को नामकुम थाना में प्रेस वार्ता कर ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि गिरफ्तार तीनों 26 फरवरी की रात 11 बजे रामपुर स्थित गढ़ा ढाबा पहुंचे एवं ढाबा कर्मी के साथ मारपीट कर 35,000 रुपये की मांग की। 29,000 देने पर मामला तय हुआ। ढाबा संचालक से 17,000 लिया एवं बाकी 12,000 कल सुबह देने की बात कहकर चले गए। फिर 27 फरवरी की सुबह तीनों पैसा लेने ढाबा पहुंचे एवं पैसा मांगे। इस मामले में ढाबा संचालक के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर रघु सिंह को घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि जहांगीर और फिरोज फरार हो गए। इधर घटना के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने तकनीकी शाखा के सहयोग से दोनों को गिरफ्तार किया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि गिरफ्तार जहांगीर पूर्व में भी आपराधिक मामले में पिठोरिया थाना से जेल जा चुका है। बताया कि जहांगीर लोगों के पास नकली डीएसपी बनता था और फिरोज बड़ा बाबू और रघु चालक बनकर लोगों को बताता था कि साहब गाड़ी में बैठे हैं। उसके बाद फिरोज गाड़ी से उतरता था एवं धौंस दिखाता था। बताया कि पुलिस पूछताछ में जहांगीर और फिरोज ने कई खुलासे किए हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।